हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्रेजा 2022 के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो ब्रेजा आने वाली है उसके इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको मिल जाएगा एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको बलेनो में भी ऑफर किया गया है। इसमें आपको 220 तक का स्पीड मिल जाएगा और ये एक स्मार्ट तरीके से काम करेगा, जैसे इसमें SOS का फीचर भी आएगा और जो आपको जो स्टीयरिंग इसका जो पूरा मिलेगा वो पूरा प्रॉपर बलेनो में जो आता है वही वाला। इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिलेगा, क्रूज कंट्रोल और इधर पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो बटन सब होता है, म्यूट वॉल्यूम कॉल उठाने का, वो सब आपको इस तरह मिल जाएगा। और इस ब्रेजा में भी आपको बलेनो की तरह ही 360 डिग्री कैमरा भी आपको ऑफर किया जा सकता है। और इस गाड़ी में अनुमान लगाया गया है कि इसमें 6 एयरबैग्स भी आ रहे हैं और वेंटिलेटर सीट्स भी आ रहे हैं। हेडअप डिस्प्ले के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपको इसमें भी हेडअप डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन अगर आने वाला होता तो इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता। शायद इसमें आपको हेडअप डिस्प्ले नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा। बहुत सारे साइट पे आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ब्रेजा जो भी 2022 जो आने वाली है उसमें आपको सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा। और इसका जो पूरा लुक है अंदर से और बाहर से, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जो बलेनो में आता है वही सेम आपको इसमें भी ऑफर किया जाएगा। तो आपको ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्रेजा गाड़ी है उसको पूरा इंटीरियर से पूरा चेंज कर दिया गया और बाहर से सिर्फ आपको थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हेडलाइट एंड टेल लाइट और आपको ऊपर का रूफ रेल, आपको सर्फ एंटीना मिल जाएगा और आपको जो क्लैडिंग है वो चेंज हो जाएगा और आपका जो अलॉय व्हील है उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको वो भी डायमंड कट अलॉय व्हील ही ऑफर किए जाएंगे, लेकिन वो भी 16 इंच में ही, आपको 17 इंच यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो